શિપમાં જોબ માટેનો સેમિનાર યોજાયો. દીવની હજારો રિસોર્ટમાં એજ્યુકેટિવ શિપ મેનેજમેન્ટ દ્વારા સીમેન ભાઈઓ માટેનો સેમિનાર યોજાયો. આ સેમિનારમાં શિપના અધિકારીનું માજી કાઉન્સિલર શ્રી રવિભાઈ સોલંકીએ પુષ્પહારથી સ્વાગત કર્યું. આ સેમિનારમાં શિપના અધિકારીએ શિપમાં કઈ રીતે જોબ મેળવી શકાય, તેની ટ્રેનિંગ ક્યાં લેવી અને આ કંપની પાસેના શિપ અને તેમાં થઈ રહેલા કામોની વાત કરી અને ખાસ કરીને આ કંપની માત્ર અને માત્ર ઇન્ડિયન સિટીઝનને જોબ આપે છે અને તેની ટ્રેનિંગ પણ નિઃશુલ્ક છે. આ સેમિનારમાં મોટી સંખ્યામાં સીમેન ભાઈઓ જોડાયા. આ સેમિનારને સફળ બનાવવા માજી કાઉન્સિલર શ્રી રવિભાઈ સોલંકીએ ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવી. हम लोग कल आए थे मुंबई से और अपार्टमेंट में कहना है अभी ESL को लास्ट ईयर 25 साल हो गए कंपनी को. 1998 में चालू हुआ था, तब नरगी पॉइंट में एक छोटा सा ऑफिस था. अभी जो ESL का ऑफिस है वो गुवाहाटी में है और 25 साल हो गए कंपनी को. आप लोगों की वजह से, सी फेलर्स की वजह से एक एक शिफ्ट से शुरू किया था. यहाँ से अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 200 जहाज 200 सब सब टाइप के जहाज है हमारे पास. ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, गैस टैंकर्स, उसमें LPG LNG भी है, कंटेनर्स भी है, बड़े बड़े जहाज में कंटेनर आ रहे हैं और ऑफशोर वेसल्स भी है. तो सब टाइप के जहाज है ESL में. ESL की दो खास बात है, एक वो सिर्फ इंडियन सीफेरर्स को, एक नेशन है कि इंडियन सीफेरर्स को सपोर्ट करते हैं. बाकी कंपनी अगर आप देखोगे तो फॉरेन नेशनल्स लेते हैं, श्रीलंकन, बर्मीज, फिलिपिनो, रशिया, यूक्रेनियन. लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे जो बॉस है मिस्टर टीका, उनकी कमिटमेंट है कि हम लोग सिर्फ इंडियन सीफेरर्स को सपोर्ट करेंगे. जैसे आप इंडियन सीफेरर्स है, मैं भी इंडियन सीफेरर हूँ, सो दे विल सपोर्ट ओनली इंडियन सीफेरर्स. दूसरी खास बात है ESL की, वो ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, काफी सारे ट्रेनिंग करते हैं ऑफिसर्स के रेटिंग्स के लिए और ये सब फ्री रहते हैं, इसके कोई पैसा नहीं लगता है. आपको सिर्फ मुंबई आना है. हमारे दो ट्रेनिंग सेंटर है, समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज एक लोनावला में है जहाँ पे कैडेट्स और PNV का ट्रेनिंग होता है. वहां पे रेटिंग्स का कोई नहीं है लेकिन कैडेट्स का, आपको भी कोई आपके फ्रेंड है जिसको, जिसके बच्चों को कैडेट में जाना है या PNV में जाना है तो उनको अप्लाई कर सकते हैं. तो सिम्स लोनावला में 3C ट्रेनिंग होता है और जो सिम्स मुंबई है वो ऑफिस के बाजू में बिल्डिंग है जहाँ पे सबका ट्रेनिंग होता है, ऑफिसर्स का भी होता है, रेडीज का भी होता है. सेफ्टी कोर्सेस होते हैं, मार्कोर कोर्सेस होते हैं, PSC और मेजर कोर्स होते हैं, बट उसमें कोई पैसा नहीं है सीपर के, बस आना है, ट्रेनिंग करना है. तो ये दो चीज ESL के बारे में काफी अच्छी है कि वो इंडियन सीफेरर्स को सपोर्ट करते हैं और ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देते हैं जो फ्री है. अगर आपने देखा है किसी ने वहां पे तो कोई केमिकल टैंकर का कोई आदमी हो वहां जहाँ पे प्रागो पंप्स होते हैं, तो यह केमिकल टैंकर का और नीचे प्रागो पंप्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है. आप बॉयलर सूट डाल के अंदर टैंक में जाते हो और वहां पे सीखने को मिलता है. ये नहीं कि आपको किताब से पढ़ना है, आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है टैंक के अंदर. तो नेक्स्ट टाइम कोई आगे मुंबई में आकर आपको देखते हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको ले जाऊँगा. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद खुशी खुशी सेफली फैमिली के पास आए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पैसा तो सब लोग कमाते हैं लेकिन आदमी खुश रहना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, वेल ट्रेन, ही शुड बी हैप्पी ऑन बोर्ड. और साइन ऑफ भी करने का टाइम आएगा, फैमिली को भी अच्छा लगेगा. अगर कोई शिप में कोई डिले हो रहा है या किसी को, फैमिली को कोई चिंता है तो वो लोग हमको फोन कर सकते हैं, कभी भी हमारी टीम रहती है, वो लोग फोन कर सकते हैं, फैमिली व्हाट्सअप कर सकते हैं हम लोग उनको. कभी कभी शिप से फोन आता नहीं है, हमको भी फोन आता है, हमारे हस्बैंड जहाज पे है, जहाज पे भी है, उनका बहुत दिनों से फोन नहीं आया तो दे कैन कॉल अस, हमको वो फैमिली हमको फोन कर सकती है, हम लोग उनको बताएंगे कि जहाज में उनको बोलेंगे फोन करने के लिए. ठीक है, ये सब को 25 साल हो गया पिछले साल, अभी ये 26वां साल है. हम लोग का जो हेड ऑफिस है वो सिंगापुर में है, मुंबई वाला है वो सिर्फ मैनिंग ऑफिस है और ट्रेनिंग होता है मुंबई में, लेकिन जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो सिंगापुर में है. यहाँ पे हम लोग टेक्निकल मैनेजमेंट, अगर आप देखोगे सब टाइप के जहाज है हमारे पास, ऑयल टैंकर, केमिकल, कंटेनर, बल्क और गैस. हमारा विजन है कि वी हैव टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रोवाइडिंग सुपीरियर
शिप मैनेजमेंट सर्विस। इसका मतलब है कि ओनर हमको जो जहाज देता है कि हम लोग उसकी अच्छी सी देखभाल करेंगे और उनको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे ओनर्स को। अगर हम लोग ओनर्स को खुश रखेंगे तो ओनर्स हमको और ज्यादा जहाज देंगे। इसमें पहले दिखा रहा है कि इट्स नॉट वेरी क्लियर एक्चुअली हम लोग सबसे अभी इसमें ये चार्ट में सिर्फ आपको दिखा रहा है कि जो मैंने जो बोला आपको एसएमएस सब टाइप के जहाज है। तो इसमें क्रूड ऑयल टैंकर है 21%, प्रोडक्ट टैंकर 14-14%, केमिकल टैंकर है 21%, गैस टैंकर्स 13%, बल्क कैरियर 16% और कंटेनर्स। तो आपको सब टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा अगर ईएसए में होंगे तो। ऑयल मेजर का इंस्पेक्शन होते हैं सायर इंस्पेक्शन, आप लोगों ने सुना शिप में होते हैं टैंकर्स में सायर वेटिंग इंस्पेक्शन होते हैं वेटिंग इंस्पेक्शन। ईएसए क्लियर करेगा उतना उनको अच्छा बिजनेस मिलेगा। अभी वैसे शिप जो होता है वो बिजनेस के लिए होता है, वो कार्गो कैरी करने के लिए होता है। अगर जहाज खड़ा रहेगा तो कुछ मतलब नहीं उससे। तो शिप में भी यूज होता है ऑफिस में भी यूज होता है। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, अलग अलग डिपार्टमेंट के उसमें प्रोग्राम्स होते हैं फिनिश के। क्रू सिलेक्शन, ईएसएम में अगर किसी को आना है तो उनको इंटरव्यू देना पड़ता है। हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है अगर वो फिट होता है आदमी इंटरव्यू पास होता है तो उसको लेते हैं हम लोग को। यहाँ पे कोई हमारा एजेंट नहीं है, जो आप देखोगे मार्केट में एजेंट्स रहते आ रहे हैं बोलेंगे पैसा दे दो आप चले जाओ ईएसएम में, ऐसा कोई हमारा एजेंट नहीं है। आप सबको बता दो ईएसएम सिर्फ अपने ऑफिस से रिक्रूट करता है आपको। मुंबई ऑफिस जैसा आप हैं आपके दोस्त लोग हैं उनको बोलो मुंबई ऑफिस रिपोर्ट करो आपका बायोडाटा दे दो। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है आपका इंटरव्यू भी होगा उसमें क्लियर होंगे तो आपको जॉब मिलेगा। आपको कोई एजेंट अगर बोल रहा है कि मैं पैसा दे दो आपको ईएसएम में जॉब देगा ये गलत बात है। हम लोग का कोई एजेंट नहीं है और कोई किसी को पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ ऑफिस आकर इंटरव्यू देना है बस सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका क्राइटेरिया में फिट हो रहा है सिलेक्शन हो जाएगा। बट प्लीज डोंट गो टू एनी एजेंट, एजेंट सिर्फ आपका पैसा लेके चला जाएगा।